नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं manoharajna.com। दोस्तों आज हम बात करेंगे BPCL में कि कौन सा लेवल इम्पोर्टेंट है, किस लेवल के नीचे हमें बेच देना चाहिए और किस लेवल के ऊपर हमें खरीदना चाहिए या जो खरीदा हुआ है उसको होल्ड करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं वीडियो में। वीडियो चालू करने से पहले या शुरू करने से पहले मैं आपसे एक अनुरोध है, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए। और दोस्तों यदि वीडियो पसंद आता हो तो इस तरह का जो लाइक बटन आता है वीडियो के नीचे वो ज़रूर दबाइएगा ताकि हमें पता चले कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए दोस्तों सीधा चलते हैं वीडियो पर। तो दोस्तों आपके सामने BPCL का डेली चार्ट खुला हुआ है। अभी यहाँ पर कुछ खबरें भी हैं कि सरकार बेच रही है या अभी 2020 में बेच देगी मार्च में या अप्रैल में, तो खबरों के दम पर ये 320 से 540 के आसपास गया और वहाँ अब इसने एक रेंज बना ली है। ठीक है दोस्तों, उस रेंज को हम थोड़ा सा ड्रा कर देते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो सबको, आपको और हमें दोनों को। तो ये अगर मैं देखूँ मोटा मोटी तो इसने ये जो बॉक्स बना है मैंने मेरे द्वारा बनाया गया है, इस बॉक्स को उसने एक रेंज बना दी। पहले यहाँ पर गया, ठीक है, ऊपर के स्तरों पर सस्टेन नहीं कर पाया, फिर नीचे आया, फिर गैप अप ओपनिंग हुई इसकी, फिर यहाँ तक गया 530-35 पर, फिर नीचे आया वापस 500 से सपोर्ट लिया, अगेन 540 तक गया ये, फिर नीचे आ गया वापस 509 के आसपास। अब दोस्तों इसमें देखने वाला जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो ये है कि जो 500 का जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट बना रहा है ये, देखते हैं हम कहाँ कहाँ। एक यहाँ बनाया इसने जहाँ पर अभी कर्सर चल रहा है, फिर एक यहाँ बनाया, यानी कि ये कब बना था, 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर के बाद जो बना है वो बना है 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर के बाद 7 नवंबर, 7 नवंबर के बाद 11 नवंबर और आने वाले, मतलब चार बार इसने इसको सपोर्ट बनाया है। अब जो वॉल्यूम के साथ ही गिरावट आई है, आप यहाँ देखिए नीचे जहाँ अभी कर्सर चल रहा है, ये जो डाउन ट्रेंड आया है, तो जब भी दोस्तों इसको ये डेली बेसिस पे अगर 509 के नीचे क्लोजिंग दे देगा तो हमारे लिए ख़राब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा इसको पीछे करके इसकी हिस्ट्री देखते हैं कि इसने क्या बना रखा है इस लेवल पर। अब आप समझ पा रहे होंगे मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जब भी ये इस लेवल पे आता है 540 के आसपास, एक लाइन ड्रा कर देते हैं हम ताकि हमें समझने में एक आसानी हो जाए। हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रा कर रहा हूँ, आपको एकदम अब क्लियर कट दिख गया होगा कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। कोई एडिटिंग नहीं है, कोई फोटोशॉप नहीं है, एकदम क्लियर कट सिंपल टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, एकदम सिंपल। एक बार टॉप बनाया, दो बार टॉप बनाया, तो दोस्तों ये यहाँ पर इसने तीसरा टॉप बना लिया। अब ये ट्रिपल टॉप बना के 540 से जो नीचे गिरते गिरते आया 240 तक गिरा, यानी कि 300 रुपये की इसने गिरावट आई। अब यहाँ से फिर ऊपर गया ये 400 से, फिर इसने रेजिस्टेंस लेके नीचे गिरा दिया इनको, और अब 540 के ऊपर जाने नहीं दे रहे। अभी 540 और 500 के रेंज में, 40 पॉइंट की रेंज में फंसा हुआ है। अभी नीचे आने के बाद अब हम देखेंगे कि 500 का लेवल अगर ये सस्टेन कर पाता है तो हम इसमें होल्डिंग बना के रखेंगे, और अगर 500 का लेवल टूट जाएगा तो हम अपने सारे लॉन्ग्स कवर कर लेंगे, क्योंकि जो भी प्राइवेट हाथों में जाना है ये 2020 में जाना है। अब से 3 से 4 महीने बाकी हैं, और 3 से 4 महीनों में ना जाने क्या क्या असंभावना इसके साथ है। सरकार किस हिसाब से बेचेगी, किस प्राइस पे बेचेगी, किन शर्तों पे काम होगा, तो हमारे सामने अभी सारी जानकारी नहीं है। और इसमें मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पर ये जब चढ़ा था ऊपर तो अच्छे वॉल्यूम के साथ चढ़ा था, फिर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन जैसा कुछ हुआ है और वापस अब जो गिरावट आई है पिछले 2-3 कैंडल की हम बात करें तो जो एवरेज है, जो नॉर्मल है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको एवरेज लगा के दिखा देता हूँ अगर संभव हुआ तो। ये देखिए ये मूविंग एवरेज का जो है इसको हम उससे कर देते हैं लाइन विथ ब्रेक, और ये एवरेज में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है दोस्तों लगाने में। इनपुट में ले लेता हूँ, इनपुट मूविंग एवरेज चल रहा है 20 का। ठीक है दोस्तों, अब क्लियर कट आपको चीज़ें दिख जाएगी जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ठीक है, तो लाइन थोड़ी सी मोटी कर लेते हैं दोस्तों। नीचे सैटरडे की जो छुट्टियाँ हैं वो एंजॉय हो रही है, तो आप थोड़ा सा नॉइज़ को इग्नोर कीजिएगा। तो ये मैंने ब्लू कलर की आपको एवरेज लाइन बता दी। तो जब यहाँ से तेज़ी हुई है 380 के ऊपर जब भी जाने लगा, अच्छा वॉल्यूम आया, लेकिन यहाँ पर जाके 500 के ऊपर जब भी गया कोई वॉल्यूम सपोर्ट नहीं मिला इसको, यानी कि जो 20 डे का मूविंग एवरेज चल रहा था
उसका जो एवरेज है उसके नीचे रहा, वो लगातार पिछले 3 दिनों से जो डेली कैंडल फॉर्म हो रही है वो एवरेज वॉल्यूम से ऊपर आ रही है, यानी कि एवरेज से डबल वॉल्यूम के साथ जिसने गिरावट दिखाई है। तो हमें अभी ये देखना है कि अगर ये 500 के नीचे काम करेगा तो हमारे लिए ख़राब हो जाएगा। मैं अगेन आपको बता रहा हूँ, 500 के नीचे अगर ये काम करने लग जाएगा तो हमारे लिए ख़राब हो जाएगा। हमारे पास देखने की स्थिति ये है कि 500 के ऊपर या 500 तक हम इसका वेट करेंगे। अगर ये 500 से वापस यू टर्न ले देता है और ऊपर की साइड चल देता है तो 540 तक के हमें वापस लेवल दिखा देगा। अगर 500 को तोड़ देगा तो फिर वापस ये 400 के आसपास आके जो नेक्स्ट लेवल इसका रहेगा, या तो 480 पे रुकेगा, और 480 पे न रुकता हुआ इसके जो स्विंग लो है या स्विंग हाई जो बनाए थे पिछली बार 420 के आसपास, वहाँ पर ये आसानी से आ जाएगा। तो दोस्तों मुझे बताइएगा कमेंट करके कि वीडियो कैसा लगा। यदि आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन आता है उसको दबाना मत भूलिएगा, ताकि अपलोड से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। नमस्कार।